का है ना, एक्सरसाइज 4.3 का बचा हुआ क्वेश्चन है जो आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सवाल है, बहुत ही आपका ये आसान और आसान सवाल है। देखिएगा क्या कह रही है, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स बताइए, क्या बताइए, दो नंबर्स, अ डिफरेंस ऑफ का, अभी चीज रिटन इन द लास्ट कंसीडर बेटर, मैं आपको पहले ही बता दिया था, जो बाद में लिखा रहा था उसको मानना उचित होता है। तो द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 दिया हुआ है ना, एंड द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो बाद में क्या लिखा है, तो लार्जर नंबर मानना बेटर या स्मॉलर नंबर, सुविधा होता है। द लेट लार्जर नंबर इक्वल x, और स्मॉलर नंबर के बारे में क्या कह रहा है, कि अ स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, अ स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, अ स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर यानी अ स्मॉलर नंबर, दो वेरिएबल x y मत मानना है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो इसलिए आपको केवल x मान के ही बनाना पड़ेगा है ना। तो क्या कह रहा है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज मींस इक्वल 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स, तो ये वाला ना 8 टाइम्स है जी, जैसे ये 80 है तो ये 10 है, तो 8 टाइम्स कौन है, तो इक्वल करने के इधर ही 8 से इंटू कर दे उल्टा है ना, इक्वल करने तो 8 टाइम्स एक्चुअली इन है, स्क्वायर ऑफ लार्जर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए इधर ही इंटू कर देंगे, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगी इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटा देंगे इधर रूट 8 इंटू लार्जर नंबर के जगह x, यानी अंडर रूट, चलो एक प्लान और बढ़ा देता हूँ, इंटू लार्जर नंबर यानी अंडर रूट 8 और लार्जर नंबर के जगह x, बस हो गया। क्या क्या कह रहा था, मैं बार बार बोलता हूँ, भी चीज रिटेन इन द लास्ट कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर, जो बाद में लिखा रहता है उसे मानना उचित होता है ना, जो बाद में लिखा रहता है उसको मानना उचित होता है। तो बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर मान लिए x है ना, सॉरी लार्जर नंबर लिखा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो बाद में लार्जर नंबर लिखा था मान लिए, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या था 8 टाइम्स, एक्चुअली 8 टाइम्स ये था, तो इक्वल करने के लिए स्क्वायर हटाएं इधर रूट चला, लार्जर नंबर की जगह x कर दिए। अब क्या कर रहा है, पहला सेंटेंस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए यहां पर 180 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू कब आता है, माइनस, डिफरेंस मींस माइनस, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, ऐसे आएगा पॉजिटिव वैल्यू कि आपका ऐसे आएगा पॉजिटिव वैल्यू, बोलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा लार्जर माइनस स्मॉलर, पॉजिटिव आएगा लार्जर माइनस स्मॉलर करने पर, यानी आपको 180 पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन नथिंग देन प्लस, इसका मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर ना करना है, दोनों का स्क्वायर करके, देखिए क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है, तो लार्जर नंबर के स्क्वायर और माइनस स्मॉलर नंबर के स्क्वायर इज मींस इक्वल 180, समझ आ गई है। अगर कोई पूछे कि शुरू में लार्जर नंबर क्यों लिखे, तो आप कहिएगा देखिए यहां पर साइन नथिंग, हाँ माइनस 180 रहता, अगर माइनस 180 रहता तो स्मॉलर माइनस लार्जर होता, अगर माइनस रहता 180 तो छोटा लार्जर ये वाला होता, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो बड़ा माइनस छोटा, तो पहले बड़ा और उसके बाद माइनस छोटा करना है। कैसे करना है, दो नंबर्स के स्क्वायर करके माइनस करना है, कैसे माइनस करना है, स्क्वायर करके, तो पहले दोनों का स्क्वायर करिए, तो लार्जर नंबर क्या है मेरे पास एक्स है स्क्वायर, माइनस स्मॉलर नंबर क्या है रूट 8 एक्स है स्क्वायर करिए इक्वल टू 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट का स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, इधर ले आते हैं माइनस 180 इक्वल टू
है ना, रूट एक्स रूट का स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, जैसे रूट फाइव का स्क्वायर होता है फाइव। अब इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर दीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर दीजिए, जो आपके मन है। तो उसके लिए अगर फैक्टराइजेशन मेथड सबसे आसान है, वही करते हैं। आपको विशेष कुछ नहीं तो वन, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है वन है, यहाँ पर क्या है माइनस वन एटी। तो फैक्टराइज करने के लिए ए इंटू सी का करते हैं, तो एक जगह वन इंटू माइनस वन एटी यानी माइनस वन हंड्रेड एटी। तो माइनस का तो होता नहीं तो प्लस कर लेते हैं, इसी से पता आपको चल जाएगा कि कितना में ब्रेक करेंगे या ब्रेक नहीं करेंगे। टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव, ठीक है। अब देखिए हमको एट लाना है, क्या लाना है एट, हाँ एट लाना है। तो ऐसा करिए दो दो चार पाँच बीस, नौ नहीं आएगा, या दो चार बारह पंद्रह नहीं आएगा, छत्तीस तीन पच पंद्रह चार हाँ पंद्रह बारह जी सॉरी तो तीन आ जाएगा, एट लाना है ना, पाँच दो न दस, तीन दूनी तीन तीन नौ, अठारह दस और अठारह में तोड़ना पड़ेगा, टेन और एटीन में, तो एक स्क्वायर है ना, टेन में और एटीन में तोड़ना पड़ेगा, एटीन एक्स और टेन एक्स में, ठीक है। अब देखिए बड़ा यहाँ पर माइनस साइन लाना है, तो बड़ा का साइन क्या करना पड़ेगा माइनस, ठीक है क्लियर। चलिए चेक करना है सही है कि गलती, तो ये दोनों को इंटू कीजिए, आई दोनों को इंटू कीजिए, इक्वल आए तो सही है, या तो दोनों ब्रैकेट वाला सेम आ जाए, तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस एटीन, इसमें टेन कॉमन होगा तो x मान, देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है यानी मेरा फैक्टराइजेशन 100% सही है, दोनों ब्रैकेट वाला सेम है यानी मेरा फैक्टराइजेशन 100% सही है, ठीक है। ये भी एक पहचानने का तरीका हुआ। तो चलिए आपका निकालना क्या है, तो एक बार इसको जीरो कर दीजिए, एक बार इसको जीरो, तो x माइनस एटीन को जीरो, तो x इक्वल टू एटीन, एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन, तो ये अननोन हो जाएगा जी, कहे का कि नंबर आपको, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा था, ये आपका डिफरेंस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज एट टाइम्स। देखिए सब जगह यहाँ पर पॉजिटिव की बात की गई है, छोड़िए अगर हो सकता है हम नहीं मान रहे हैं, कहेगा सर नंबर तो माइनस में आ ही सकता है, ये काउंटिंग ना रहता तो माइनस नहीं आता, चलिए चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे सही है या गलत है ना, चेक कर लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन, कहाँ गई लार्जर नंबर जो कि एक्स है, लार्जर नंबर क्या है एक्स, ठीक है निगेटिव में, ध्यान से देखिएगा लार्जर नंबर क्या है एक्स है निगेटिव में, तो निगेटिव में रखते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए चेक करके अगर आप निगेटिव में इसको रखते हैं तो ये भी निगेटिव में आ जाएगा, ध्यान से जरा देखिएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन लेते हैं, चलिए हम कुछ देर के लिए मान लिए कि एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन, तो ये माइनस टेन, तो ये स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एट इंटू माइनस टेन, अरे ये तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगी जी। चलो हम चेक कर देते हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए एक्स इज इक्वल टू एटीन लेते हैं पहले, तो लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स इक्वल एटीन, एक आंसर। अब स्मॉलर नंबर क्या था अंडर रूट एट एक्स, स्मॉलर नंबर इक्वल टू अंडर रूट, देखिएगा तो स्मॉलर नंबर क्या है दिया हुआ है अंडर रूट एट एक्स, तो अंडर रूट एट इंटू एक्स के, यहां साइन कुछ नहीं तो इंटू एक्स के जगह एटी, तो चलिए इसका फैक्टराइज कर देते हैं, तो हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू, और एटीन का करेंगे तो टू थ्री थ्री, तो कई गो टू निकल जाएगा, दो गो टू निकल जाएगा, चार गो है ना जी, दो गो एगो थ्री निकल जाएगा, यानी ट्वेल्व, एक नंबर एटीन और एक नंबर ट्वेल्व, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ यहाँ क्यों रखें, क्योंकि हमको दोनों नंबर्स निकालना था, तो एक नंबर यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे, यहाँ पर वैल्यू एक्स का रखना जरूरी है या नहीं है, यहाँ पर हमको फाइंड टू नंबर्स, टू नंबर्स मतलब एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, बड़ा नंबर है और एक, तो दोनों नंबर ना निकालना हमको जी, तो दोनों नंबर निकालना है तो यहाँ पर भी वैल्यू रखना पड़ेगा और एक बार यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू रखें तो 18 को सबको फैक्टराइज कर दिए, ठीक है।
तो फैक्टर 88 को 2 इनटू 2 3 बार और 18 को 2 इनटू 3 इनटू 3 तो 4 गुणे 2 को 2 निकल गया एवं 3 निकल गया तो 2 2 जा 4 3 जा 12। अब कहिएगा कि x इक्वल माइनस 10 काहे नहीं हुआ, है ना। अब ये कहिएगा कि x इक्वल माइनस 10 काहे नहीं हुआ, तो चेक करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 10, है ना। x किसके बारे में, तो लार्जर नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू चलो माइनस 10। हां माइनस में नंबर हो सकता है, नंबर माइनस में नेचुरल नंबर रहता तो माइनस में नहीं होता क्योंकि नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए स्मॉलर नंबर क्या है, अंडर रूट 8x, अंडर रूट 8 इंटू एक्स के जगह माइनस 10 यानी अंडर रूट माइनस, तब तो ये इमेजिनरी नंबर हो गई। कौन नंबर हो गई, तो इमेजिनरी में तो इक्वेशन पॉसिबल होगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 नॉट पॉसिबल बिकॉज इन दिस केस अ स्मॉलर नंबर इज निगेटिव। क्लियर, तो ये वाला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों नहीं हुआ x इज इक्वल टू माइनस 10 का, मैंने उसका भी रीजन दे दिया, x इज इक्वल टू 18 नहीं है क्योंकि अगर 18 लेते हैं तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 आ गया स्मॉलर नंबर, लेकिन माइनस 10 लेते हैं तो चलिए लार्जर नंबर तो सेट कर दिया, स्मॉलर नंबर अंडर रूट 8x तो निगेटिव आ गया अंडर रूट, तो ये इमेजिनरी, अंदर में निगेटिव तो इमेजिनरी, अंदर में निगेटिव तो है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, तो इवन यहाँ पे अंदर में निगेटिव तो इमेजिनरी, ये बताया था मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर में। तो x माइनस 10 लेते हैं तो नॉट पॉसिबल हो गया क्योंकि इन दिस केस स्मॉलर नंबर क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने x इक्वल टू माइनस 10 नहीं लिया। तो देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर था यहाँ पर, तो यह रूट ले आए, ठीक है। अब कहिएगा यहाँ पर रूट कहाँ से ले आए, तो इधर क्या था स्क्वायर, तो इधर लाएंगे तो अंडर रूट, ये वाला भी आप लोग नोट कर लीजिए कि x इक्वल टू माइनस 10 क्यों नहीं हुआ। भी चीज अननोन इन मैथमेटिक्स देन कंसीडर, बस शुरू से तो यही बोलते आ रहे, आज भी यही बोलूंगा, भविष्य में भी ऐसा क्वेश्चन आया तो यही बोलूंगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लेता हूं लेट अ स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल एक्स, है ना, और ट्रेन ट्रेवल्स कितना डिस्टेंस भाई 360, डिस्टेंस 360, तो टाइम इससे निकाल लीजिएगा, टाइम में ही डेटा ऐसे भी बनेगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड यानी 360 अपॉन एक्स। क्लियर, क्यों इधर भी देखिए ना, इट वुड हैव 1 आवर लेस, तो टाइम में ही इक्वेशन बनेगा। नाउ अब क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए, कह रही है ट्रेन 360 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड हमने क्या मान लिया एक्स, स्पीड एक्स और डिस्टेंस 360, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस वाई स्पीड यानी 360 अपॉन एक्स। अब क्या कह रही है कि इफ स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड के बारे में क्या कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो x प्लस 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो टाइम एक घंटा कम लेता है, टाइम एक घंटा कम लेता है टू सेम जर्नी, सेम जर्नी का मतलब क्या हुआ, सेम जर्नी दैट इज डिस्टेंस इक्वल कितना 360 है ना जी, तो टाइम इससे भी निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इससे निकल गया भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 360 अपॉन स्पीड कितना x प्लस 5। अब कंपेयर कर देते हैं जी, तो टाइम इसमें कम लगा है भाई, टाइम किसमें कम लगा है, स्पीड इतना, तो इसमें कह रहा है टाइम 1 आवर लेस, देन टाइम 1 आवर लेस, टाइम टेकन 1 आवर लेस, है ना, सेम जर्नी कह रहा था, सेम जर्नी डेट इज डिस्टेंस 360 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा आपको कह रही है स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर कह रहा है, स्पीड कितना 5 किलोमीटर पर आवर मोर यानी स्पीड पहले से था x, अब x प्लस 5, है ना, तो टाइम कह रहा है एक घंटा कम लगा इसमें, सेम जर्नी कह रहा था, इट वुड हैव टेकन एंड सेम जर्नी, तो डिस्टेंस वही रह जाएगा, तो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 360,
डिस्टेंस कितना हो गया 360, ठीक है, और स्पीड कितना x प्लस 5। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो 3 एगो टाइम कितना है 360 अपॉन x, एगो टाइम है 360 अपॉन x प्लस 5, एगो टाइम है 360 बाय x, एगो टाइम है 360 बाय, तो टाइम किस में कम रहेगा, पढ़े स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, तो स्पीड और टाइम का आजकल क्या चल रहा है जी, स्पीड और टाइम का आजकल क्या चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है, ऊपर और नीचे से दुश्मनी होता है ना, ऊपर और नीचे से क्या चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है, टाइम किसमें कम है एक घंटा, देखिए ना भाई x प्लस 5 वाला में टाइम कम है, देखा कैसे स्पीड ज्यादा तो टाइम, तो एरा में टाइम 1 आवर लेस है, इसमें टाइम जो है 1 आवर लेस है, मैं स्पष्ट लिख दिया कि स्पीड जिसमें x प्लस 5 है देन टाइम टेकन 1 आवर, जिसमें स्पीड कितना x प्लस 5 यानी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो टाइम टेकन 1 आवर लेस, तो टाइम जो है एक घंटा कम दिया, तो टाइम किसमें कम है, इसमें x प्लस 5 में टाइम 1 आवर लेस, ऐसे भी स्पीड ज्यादा तो टाइम, तो बताइए इक्वल में हमको रिलेशन लाना है, रिलेशन हमें क्या चाहिए लाना है इक्वल में, तो बताइए इक्वल करने के लिए आप उल्टा माइनस करिएगा, जी टाइम एक घंटा कम इसमें है तो इक्वल करने के लिए इधर माइनस वन कर दीजिए, जैसे अगर इसमें 5 आवर है तो ये घंटा कम यानी 4 आवर, तो इक्वल करने के लिए 1 किधर माइनस करिएगा, इधर इधर माइनस करना पड़ेगा ना, तब इक्वल हो जाएगा 4 4, क्लियर, ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बातें हैं इस पर भी ध्यान, जब भी टाइम करेगा है ना तो आप कंपेयर कर दीजिएगा तो सुविधा हो जाती है ना, कंपेयर करिएगा तो आपको सुविधा होगा, देखिए स्पीड x प्लस 5 तो टाइम 1 आवर लेस, तो एरा में स्पीड ऐसे भी स्पीड ज्यादा तो टाइम, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, तो टाइम एरा में स्पीड ज्यादा है तो पक्का है कि टाइम इसमें कम होगा, स्पीड इसमें ज्यादा है तो गारंटी मैं दे रहा हूं कि टाइम जो है इसमें क्या होगा कम होगा, तो अगर इसमें अगर 10 आवर है तो इसमें कितना आवर 9 आवर, मान लिया जरूरी नहीं कि 10 आवर ही होगा, मान लिया इधर 10 आवर तो इसमें कितना आवर 9 आवर, यानी एक घंटा कम इसमें लग रहा है, तो इक्वल करने के लिए 1 किधर माइनस करेंगे इस तरफ, तो उसी तरह से टाइम 1 आवर लेस इसमें है ना, तो इक्वल में हमको रिलेशन लाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा इधर, 1 किधर माइनस करना पड़ेगा इधर, ठीक है, हमको रिलेशन चाहिए इक्वल में, हमको रिलेशन क्या चीज में चाहिए इक्वल में, ठीक है, तो एक घंटा कम इसमें लग रहा है तो इक्वल करने के लिए इधर माइनस, अब x का वैल्यू निकाल लीजिए 360 अपॉन x, इसको इधर प्लस साइन है इधर आएगा तो माइनस, 360 अपॉन x प्लस 5 इधर माइनस बना इधर आएगा, तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, तो एलसीएम ले लेते हैं x इनटू x प्लस 5, अब नहीं लाएगा, देखिए x और x प्लस 5 में लाएगा नहीं लाएगा, तो इनटू कर देते हैं एलसीएम का, इनटू कर दीजिए x इनटू x प्लस 5 माइनस, फिर x इंटू x प्लस 5 को किससे डिवाइड कर देंगे, x इंटू x प्लस 5 को किससे डिवाइड करें x प्लस 5 से, तो x प्लस 5 कैंसिल बचा x, अब x को किससे इंटू करें, तो 360x हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो अब 360 को x से भी इंटू करना है दोनों से ना, तो 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 1, नीचे कुछ नहीं तो 360x माइनस 360x 0 हो जाएगा, 360 डिवाइड नहीं किए इन्हें कि काटे हैं तो डिवाइड समझ जाएगा, माइनस किए हैं 360x माइनस 360 जीरो, तो ऊपर बचा 1800 है ना, 1800 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू कुछ नहीं ऊपर वन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800, x स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं 1800 को माइनस वन, माइनस हो जाएगा इधर प्लस है तो माइनस, अब इसको फैक्टराइज कर देना है, इसी भी मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइज से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, तो हमें आसान लगता है फैक्टराइज, इसमें थोड़ी ना कहा कि सॉल्व बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, सॉल्व बाय द क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर ऐसा कहता तो ना, तो ये आपको ब्रेक हो जाएगा
ठीक है, देख लेता हूँ, 6 और 3 फैक्टराइज कीजिए, a इंटू सी का a के जगह वन और c के जगह -1800 है ना, a हो गया कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर 1 और b कोफिशियंट ऑफ x 5 और c कोफिशियंट ऑफ 1, तो कितना टोटल यानी कांस्टेंट टर्म, c यानी कांस्टेंट टर्म यानी -1800, तो माइनस माइनस का तो होता नहीं फैक्टराइज, तो प्लस का 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, 3 से 75, 3 से 25, 5 से 1, तो क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 ×, अभी इससे से पता चल जाएगा कि कितना ब्रेक होगा, 2 × 4 × 8 × 3 × 24 और 24 × 25 × 24 × 70 3 × 5 = 15 15 × 5 = 125 15 × 75 ये नहीं होगा, तो 2 × 4 × 4 × 8 = 5 = 40 अब 40 या 45 में होगा, हाँ जी 40 और 45 में ब्रेक होगा है ना, क्या किया इसको ये तीनों इसको और इसको एक साथ कर दिए, तो 2 × 4 × 4 × 8 = 8 × 5 = 40 × 2 × 3 = 9 × 5 = 45 ये 40 और 45 में ब्रेक होगा, हम किससे पता चलता है ये फैक्टराइज किए ना उसी से हमको पता चल गया कि कितना में आपका ब्रेक होने वाला है, हम अपना मन से थोड़ी ना बताते हैं, फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज के आधार पर बताते हैं कि ब्रेक कितना में होगा, ठीक है, तो ये देखिए ये तीनों को 2 × 4 × 8 और 5 × 40 हो गया और 3 × 9 = 45, तो 45 और 40 में टूट जाएगा, तो x स्क्वायर अब साइन लाना है प्लस साइन का लाना है तो बड़ा वाला प्लस रखना पड़ेगा, 45x - 40x - 1800 ठीक है इक्वल टू 0, ये ना इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ इक्वल टू 0, देखिए चेक कर लीजिएगा अभी दोनों को इंटू कीजिए, देखिए चेक करने के लिए मैंने बताया था ये दोनों जिसको मैं आप ब्रेक किया उसको इंटू कीजिए, तो 45x × 40x माइनस में तो हो जाएगा 1800 और x स्क्वायर, और बाकी दोनों बचा हुआ क्या x स्क्वायर इंटू -1800 इंटू कीजिए, दोनों देखिए आ गया दोनों बढ़ाई के दोनों हमारा क्या है 100 इक्वल है, दोनों क्या है यानी फैक्टराइजेशन 100% करेक्ट है, ठीक है, यह एक और तरीका है चेक करने का, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, देख लीजिए x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेते हैं तो x और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 40 को 1800 से डिवाइड करिए 40 यानी 200 तो 45 इक्वल टू 0, ठीक है, अब x प्लस 45 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा इसमें x और इसमें बचेगा -40, तो एक बार x प्लस 45 को 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू -45, तो ये नहीं होगा माइनस वाला, क्यों नहीं होगा क्योंकि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव अननोन बिकॉज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्या होती है हमेशा और हमेशा स्पीड इज बिकॉज स्पीड इज ऑलवेज प्लस भी मतलब पॉजिटिव, यानी ये वाला तो होगा नहीं, तो एक और तरीका है मेरे पास क्या x माइनस 40 को एक बार जीरो कर देना तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन ये हो जाएगा इक्वल x इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा आंसर, ये क्यों नहीं हुआ क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव आती है, लेकिन इसमें निगेटिव आ गया तो ये नहीं होगा, तो एक है एक बार इसको जीरो किया एक बार इसको तो इसमें 40 आएगा, ये हो जाएगा यानी स्पीड ऑफ ट्रेन x इज इक्वल टू कितना है हमको क्या निकालना था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या वाले थे x, तो यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा ना जी x का, हमको निकालना था स्पीड ऑफ ट्रेन तो x था तो x का वैल्यू रख दिया कितना 40, माइनस वाला तो नहीं हुआ क्योंकि निगेटिव होता नहीं है स्पीड, तो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ओके रुकिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 2 क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद, पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए जो 8th क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं और मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट 10th में भी बताया है, पहले भी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको 10th में बताया है, ये आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में
लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल जो था ना पाई बूम या टू मोड वाला, उसमें मैंने बताया था ये कि इफ अ टैप फिल्स इन अ टैंक इन 5 आवर्स, मान लेते हैं कोई टैप 5 घंटा में भरता है किसी टंकी को, तो फिल मतलब भरना इन 1 आवर, तो 1 घंटा में कम भरेगा कि ज्यादा भरेगा? पूरा टंकी भरता है 5 घंटा में, तो 1 घंटा में कम भरेगा, कम मतलब डिवाइड 1/5, तो नीचे कुछ नहीं था तो क्या था इसके, तो 1/5 हो गया, यानी उलट जाता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इफ अ टैप फिल्स इन एक्स आवर्स, ठीक है यहाँ पर 5 आवर्स की जगह क्या है एक्स आवर, मान लेते हैं एक्स आवर में भरता है तो फिल इन 1 आवर, 1 घंटा में तो गारंटी है कि कम भरेगा, तो कम भरेगा यानी डिवाइड 1/x हो जाएगा। 1/x कैसे हो गया, उलट गया जी, नीचे कुछ नहीं तो क्या था 1, तो उलट गया तो 1/x हो गया, है ना, नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, नीचे कुछ नहीं था तो 1, तो उलट गया तो 1/x हो गया। उसी तरह अगर दो को टैप्स ए प्लस बी, दो को टैप आप भर रहा है, मान लिया दो टैप्स ए और बी भरता है 10/3 आवर्स, तो फिल बाई ए प्लस बी इन 1 आवर, 1 घंटा में कम भरेगा कि ज्यादा, डिवाइड उलट जाएगा, है ना, जैसे इसमें उलट गया जी, 5/1 था यहाँ पर नीचे कुछ है तो 5/1 था तो 1/5 हो गया, x/1 था तो 1/x हो गया। उसी तरह अगर 10/3 है तो 3/1, ए प्लस बी 1 घंटा में ये पूरा भर जाता है इतना घंटा में, तो 1 घंटा में इतना भरेगा, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट सीख गए, वही यही कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट 8th में पढ़े होंगे आप लोग, बर्क टाइम एंड बर्क एक चैप्टर पढ़े होंगे 8th क्लास में, टाइम एंड बर्क उसमें पढ़ेंगे, नहीं तो मैंने आपको अभी पढ़ाया भी और पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल में मैंने ही बताया, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, पॉलिनोमियल में नहीं। चलिए क्या निकालने का था, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो मान लेते हैं भी चीज अननोन इन मैथमेटिक्स कंसीडर, मैथ में जिसकी जानकारी नहीं हो उसे, तो हम भी मान लेते हैं यहाँ पर क्या कर रही है, 2 वाटर टैंक्स कैन फिल इन 9 इंटीजर 3/8 आवर, दोनों मिलकर 2 वाटर टैंक्स एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ जो है, एक साथ 9 इंटीजर 3/8 आवर में भरता है। तो द टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़ा डायमीटर वाला नल टेक्स 10 आवर लेस द स्मॉलर, अरे बड़ा डायमीटर वाला नल जो है 10 घंटा कम लेता है भरने में स्मॉलर से, है ना, तो बताइए स्मॉलर वाला माने कि लार्जर वाला माने, बी चीज रिटेन इन द लास्ट कंसीडर फर्स्ट फॉर लेटर, जो लास्ट में लिखा रहता है उसको मानना होता है पहले उचित, तो लास्ट में क्या लिखा है स्मॉलर टैंक, है ना, लेट स्मॉलर टैंक फील्स साइड टैंक का दिया टैप ना है, टैप मींस नल होता है, टैप फील्स टैंक है, लिफ्ट टैंकी को ना भर रहा है, टैंकी को भर रहा है टैंक इन एक्स आवर, कितना आवर से मान लिया, तो पहले जब भी इस तरह का सवाल रहे ना तो पहले यूनिट क्वांटिटी वाला निकाल लीजिए, यूनिट क्वांटिटी मतलब एक आवर में, तो फील इन 1 आवर 1/x, 1 घंटा में कम भरेगा ना जी, तो 1/x, है ना, फील इन 1 आवर तो 1 घंटा में कम भरेगा यानी 1/x, है ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भी चीज रिटेन इन द लास्ट कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर, तो बाद में क्या लिखा है देखिए, तो टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स लेस देन अ स्मॉलर वन, स्मॉलर वाला लास्ट में लिखा है, तो पहले मान लिया स्मॉलर टैंक टाइप फिल्स टैंक इन 1x आवर, तो फिल इन 1 आवर 1 घंटा में कम भरेगा, कम मतलब डिवाइड, ठीक है, अब क्या, तो लार्जर वाला मान लीजिए, तो लार्ज टैप, चलिए स्मॉलर लार्जर कर देता हूँ क्योंकि कंपेयर ना हो रहा है यहाँ पे, लार्जर टैप फील्स अ टैंक, इसी टैंक को इन, देखिए तो टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन अ स्मॉलर, मैंने जितना स्मॉलर टैंक ले रहा था ना उसका 10 आवर लेस यानी x माइनस 10 आवर से निभाता है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है कि लार्जर, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, बड़ा डायमीटर वाला, यानी बड़ा डायमीटर मतलब बड़ा मुंह वाला, बड़ा डायमीटर कहने का मतलब बड़ा मुंह वाला, ठीक है, बड़ा मुंह वाला पाइप जो है, बड़ा मुंह वाला जो नल है टेक्स 10 घंटा कम, लेस देन मतलब
कम अ स्मॉलर ओ टू फिल्टर सेपरेटली, अ स्मॉलर से 10 घंटा कम लेता है, तो स्मॉलर कितना टाइम ले रहा था, तो बड़ा वाला क्लियर डाउट कंफ्यूजन डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए, है ना, खासकर जो आपके सर्किल में पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर उनका व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो आप उन पर जरूर शेयर कीजिए, और स्पेशली वो 10th क्लास के हैं तो और ज्यादा कंफर्मली आप शेयर कीजिए। तो लार्जर डायमीटर वाला टैप 10 आवर लेस देन अ स्मॉलर टू फिल, मतलब स्मॉलर वाला अगर 1 आवर ले रहा है तो लार्जर वाला तो 1 घंटा में, पहले यूनिट क्वांटिटी वाला मैंने अभी बताया, तो फिल इन 1 आवर, 1 आवर में कम लेगा टाइम, तो 1/(x-10) 1/, आप देखिए लिखा हुआ है 2 water taps टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों भी एक साथ भर रहा टुगेदर कैन फील अ टैंक इन 9 integer 3/8 hours, कहने का मतलब क्या हो गया, 9 into 72 is 75 by 8 hours, है ना, ये दोनों मिलकर ना, दोनों 2 taps water taps टुगेदर फील 9 integer 3/8 hours दोनों मिलकर, है ना, यानी फर्स्ट टैप प्लस सेकंड टैप, फर्स्ट टैप प्लस सेकंड टैप, है ना, दोनों मिलकर तो फील बाई 2 taps वाटर टैप्स क्यों लिखा है, पानी भरने वाला, वाटर टैप्स का मतलब इन 1 आवर, इसमें भी यूनिट क्वांटिटी वाला तो उलट जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया 10/3 था तो 3/8, इसमें भी था जी 5 के नीचे कुछ नहीं था तो 1, तो उलट गया 1/5, तो उसी तरह इसमें उलट जाएगा 8/75, यानी फील बाई, दोनों को मिलाकर ना फील बाई 2 taps, या ऐसे भी लिख सकते हैं फील बाई 1+2, यानी दोनों 1 और 2 दोनों मिलाकर, ठीक है, यानी फील बाई 1 tap in 1 hour दोनों को मिलाकर जी, अब प्लस फील बाई, है ना, यहां पर 2 के जगह आप अदर भी लिख सकते हैं, लार्जर टैप लिखे हैं यहां पर, वो लार्जर टैप, है ना, यानी लार्जर टैप के जगह यहां पर अदर टैप भी लिख सकते हैं, लार्जर न लिखकर अदर टैप, तो यहां पर भी हम ऐसा करते हैं अदर लिख देते हैं, या स्मॉलर लार्जर यहां पर लिख दीजिए, थोड़ी अगर आपको कहीं सर लिखल है स्मॉलर लार्जर यहां पर अदर पर लिख गया, चलिए एक बार स्मॉलर ये लार्जर, तो यहां पर भी लिख देता हूं मैं फील बाई, फील बाई 2 taps ब्रैकेट में लिख देता हूं, अ स्मॉलर प्लस, अ स्मॉलर प्लस लार्जर इन कितना आवर, 1 आवर 8/75 आवर मत लिखिएगा, ये बता रहे कितना भरा, यानी टंकी का कितना हिस्सा भरा, ये टाइम नहीं है जी, ऐसा मत करिएगा कि 8/75 hours लिख दीजिएगा, ध्यान रहे ये टाइम नहीं है, ये बता रहा है कि 1 घंटा में दोनों टैप कितना भरा, टंकी का कितना हिस्सा भरा, है ना, ये उसी तरह यहाँ पर फील इन 1 आवर 1 घंटा में कितना भरा ये बता रहा है, ना कि ये 1/1 hour है, नहीं ये बता रहा है कि 1 घंटा में कितना भरा, ठीक है, क्लियर है ना, तो यहाँ पर आवर नहीं लिखना, तो 1 घंटा में, तो फिर यानी स्मॉलर दोनों टैप ना जी, यानी फील बाई स्मॉलर है, तो यहाँ पर भी स्मॉलर फील बाई स्मॉलर टैप इन 1 आवर प्लस फील बाई लार्जर टैप इन 1 आवर दोनों को मिलाकर 8/75, तो फील बाई स्मॉलर टैप इन 1 आवर कितना, फील बाई ये देखिए 1 आवर, फील बाई 1 आवर कौन स्मॉलर टैप नहीं, किसके बारे में है, चलो यहाँ पर देख लिख देता हूँ भाई, पाई स्मॉलर टैप बढ़ा देता हूँ 1/x बाय लार्जर टैप 1/(x-10) इतना लैंग्वेज लिखने की हालांकि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिखिएगा ना तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो फील बाई स्मॉलर टैप इन 1 आवर, फील बाई स्मॉलर टैप इन 1 आवर, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत है,
फील बाई ए स्मॉलर टैप इन वन आवर कितना है 1 बाई एक्स प्लस फील बाई लार्जर टैप इन वन आवर कितना है 1 बाई एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8 बाई 70। इसी को सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको कह रही थी फील द टाइम इन विच ईच टैप सेपरेटली, प्रत्येक टैप अलग अलग कितना टाइम में भरेगा। ठीक है, तो मान लिए पहले बाद में लिखा था स्मॉलर वाला, तो मान लिए एक से तो वो एक घंटा में इतना भरा, फिर लार्जर वाला 10 घंटा कम ले रहा था तो एक घंटा में 1 upon x minus 10। अब दोनों एक साथ भरता है इतना, यानी 75/8 hour। तो फील बाई टू टैप्स, फील बाई टू टैप्स, टू टैप्स का यहाँ पे लिखा है टू वाटर टैप्स टूगेदर, यानी एक साथ भरता है इतना में, यानी ब्रेक कर दिया इंटीजर। तो फील बाई टू टैप्स, टू टैप्स मान कौन कौन है, वो स्मॉलर वाला है वो लार्जर वाला है ना, एक स्मॉलर वाला है इन वन आवर, तो वन आवर में उलट जाएगा। तो फील बाई टू टैप्स करने का मतलब फील बाई ए स्मॉलर टैप इन वन आवर प्लस फील बाई लार्जर टैप, यानी दोनों के लिए है, टू टैप्स मैंने पहला टैप के द्वारा भी और दोनों को मिला था ना जी। अभी डेटा कितने घंटे का है, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल टैप, देखिएगा ना डेटा कितने घंटे का है, तो फील बाई ए स्मॉलर टैप एक आवर में और लार्जर टैप भी वन आवर में, एक बाई तो वन आवर में स्मॉलर टैप कितना भरा 1 upon x, वन आवर में लार्जर टैप 1 upon, सॉल्व करिए उसको, एलसीएम ले लेते हैं, x into x minus 10, अब x into x minus 10 को डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो x से कैंसिल बचेगा x minus 10 है, 1 से इनटू करेंगे तो जैसा प्लस, फिर x into x minus 10 को डिवाइड करेंगे किससे x minus 10 से, तो x minus 10 कैंसिल बचेगा x, x को 1 से इनटू करिएगा तो x, अब x minus x नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं ये प्लस में है 8/75। ठीक है, तो एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा, अब माइनस 10 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा, चलो एक्स दोनों से इंटू करेंगे। अच्छा ये एक्स एक्स कट दे, एक्स एक्स कट दे, कब करता है जब ये इंटू में यहाँ पे रहता, लेकिन इंटू में नहीं है जी, तो काट नहीं सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा ये काट आप नहीं सकते हैं, 2x minus 10 और यहाँ पे भी माइनस 10 इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 8 को x स्क्वायर माइनस 10x से, 75 को 2x minus 10 से, तो 8x² - 80x इक्वल टू 150x माइनस 750। 8x² - 80x इसको इधर बुला लेते हैं -150x और इसको भी इधर बुला लेते हैं, तो 8x² ये हो जाएगा -230x और प्लस 750 इक्वल टू 0। 8 कॉमन होगा, नहीं कॉमन होगा 8, हाँ 2 कॉमन हो सकता है, 4 भी कॉमन नहीं होगा, हाँ 4 भी नहीं कॉमन होगा, 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉमन हो सकता है, नहीं कॉमन लेना है तो मत लीजिए भी, कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन आपको लेना ही लेना है ना, है ना, जरूरी नहीं है आपको कि कॉमन लेना ही लेना है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए आप नहीं कॉमन लेते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे a इंटू सी का, तो a की जगह 8 और c की जगह 750, तो 8 इंटू 750 का फैक्टराइज करेंगे तो जगह करिए अल्लाह कहें कि ऐसे ही कर देते हैं, इंटू इंटू नहीं करते हैं, तो एक यहीं पर कर देते हैं 2 into 2 into 2 है ना, 8 का करेंगे 2 into 2 into 2 और 750 का, तो 2 into 3 into 5 into 5 into 5 हो जाएगा, 2 3 6 6 5 30 35 150 155 750। अब इसी से पता चल जाएगा कि कितना में ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, टू हमको 230 लगाना है जी, हमें लाना है 230, तो ऐसा इसी को ब्रेक करना है कि टू ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 230 आ जाए, है ना। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले फैक्टराइज करना है कितना में ब्रेक करेगा कितना में ब्रेक नहीं करेगा, उसके लिए फैक्टराइज करते हैं a इंटू सी को, तो a के जगह यहाँ पे 8 है, अब b कोएफिशिएंट ऑफ x -230 और c कोएफिशिएंट ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम 750, है ना, क्लियर।
एक जगह यहाँ पर कितना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक और बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 230 माइनस 230 और सी हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वन या कांस्टेंट टर्म 750। तो ए इंटू सी का फैक्टराइज करेंगे तो ए के जगह एट और सी के जगह 750 फैक्टराइज किए, तो एट को फैक्टराइज किए 2 × 2 × 2 और इसको किए 750 को यहाँ से 23555 देखिए इंटू कर लीजिए 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 35 = 150, 155 = 750 ठीक है। तो देखिए इसको आप ऐसा कीजिए ना, आप 230 में ही टूट जा सकता है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8, 8 × 5 = 40, 5 × 2 = 200 क्या कीजिए ना 2 2 2 और ये तीनों और इसको साथ कर दीजिए 2 × 2 = 4, 3 और बच गया क्या 2 × 3 × 5 है ना, तो ये तीनों इस सब को एक साथ कर दीजिए, ये तीनों को एक साथ कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 5 = 40, 45 = 200, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 तो 230 को एक जगह कर दीजिए तब हो जाएगा ना। तो समझ गए आप लोग, तो इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, तो 230 में तोड़ना है ना, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा अभी आप लोग, मैं इरेज किया हूँ ना साइड में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा समझने के लिए, समझने के लिए अच्छी तरह इसको आप साइड में जरूर से जरूर नोट करेंगे। तो 8x² है माइनस 230x है और प्लस 750 = 0, तो 8x² कितना नोट करेंगे माइनस 200x और माइनस 30x और प्लस 750, अब कॉमन लीजिए तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा 8x हाँ कॉमन हो जाएगा, तो x बचेगा माइनस ये हो जाएगा 225 माइनस 30 इसमें कौन हो जाएगा, तो माइनस है साइन चेंज हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये 25 टाइम्स कटेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है यानी मेरा फैक्टराइजेशन 100% करेक्ट है, दोनों ब्रैकेट वाला सेम है यानी मेरा फैक्टराइजेशन 100% करेक्ट है। तो इसमें बचा x माइनस 25 इसमें बचा 8x माइनस 30, तो एक बार इसको जीरो कर देंगे तो एक वैल्यू आ गया x = 25, एक बार इसको जीरो कर देंगे तो 8x = 30 है ना, तो ये कटेगा 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स और ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो x = आ गया 15/4 है ना, तो x का यहाँ पर 2 आंसर आ गया। ठीक है अब देखिए यहाँ पर x का 2-2 आंसर आया, इसे इधर मैं इरेज करके लिख रहा हूँ, एडजस्ट इधर पूरी पूरी तरह नहीं हुआ जी, इसमें पूरी तरह एडजस्ट नहीं हुआ तो इसलिए मैं यहाँ पर इरेज करके लिख रहा हूँ। ठीक है ये जो डेटा लिखा था इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये जो मैंने इरेज किया ये भी नोट कर लीजिएगा, और फैक्टराइज करने के लिए जो नियम अप्लाई किए अभी यहाँ पर जो यहाँ पर लिख के इरेज किए थे ना वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा साइड में। ठीक है तो चलिए यहाँ पर 2-2 आंसर आया तो दोनों को चेक कर लेते हैं, चेक x = 25 होगा कि नहीं होगा तो देख लीजिए। तो स्मॉलर टैंक्स हमको निकालना क्या है, फाइंड द टाइम इन ईच टैंक कैलकुलेटली, तो देखिए एक को भरा है x आवर में और दूसरा का भरा है x माइनस 10 आवर में, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे कि भाई सही आंसर लिख दें, आपको निकालना फाइंड द टाइम इन ईच टैंक कैलकुलेटली, फिर टाइम बताना है जिसमें प्रत्येक टैंक अलग अलग भरता है, प्रत्येक कहां भर एगो भर रहा है एक सावन में स्मॉलर वाला और लार्जर वाला भर रहा है x माइनस 10, तो यहां पर वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो लिख देता हूं यहां पर स्मॉलर टैप है ना फिल्स अ टैंक = x आवर है ना x आवर्स = कितना आया 25 आवर्स। ठीक है और लार्जर टैप फील्स अ टैंक इन एक्स माइनस टैंक फील्स अ टैंक इन एक्स आवर्स इन एक्स माइनस 10 आवर्स
यानी x के जगह 25 और माइनस 10 आवर्स, यानी कितना आवर्स हो गया 15 आवर्स। आप चलिए चेक कर लेते हैं किसको, ये 15/4 वाला को किसको चेक कर लेते हैं, 15/4 अननोन हो जाएगा। अब कहिएगा आप कैसे, आप ऐसे ही दिमाग में कैसे कह दिए, ठीक है आप कहिएगा कि आप कैसे कह दिए। तो चलिए चेक करते हैं x इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। तो स्मॉलर टैप फिल्स अ टैंक इन x आवर्स, कहने का मतलब 15/4, 15/4 का मतलब हो गया 3.75, 15/4 का मतलब 3.75, यानी x आवर यानी 3.75 आवर। चलिए यहाँ तक तो कोई आपत्ति हमें नहीं हुई, आपत्ति अब होगी लार्जर टैप फील्स अ टैंक इन x माइनस 10 आवर्स। तो x के जगह 3.75 और माइनस 10 है ना, तो बताइए 3.75 और माइनस 10, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है इसमें, दो गो, इसमें पॉइंट के बाद क्या गो है, एक भी नहीं, तो दो गो जीरो आप देते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस करें जी बड़ा से छोटा हो ना, पॉइंट के बाद इसमें दो डिजिट, तो इसमें भी पॉइंट के बाद दो गो डिजिट रखिए, कोई दिक्कत है हमारे, इसकी बड़ा में से छोटा ना 5, 2, 6 यानी 6 पॉइंट, अब बड़ा का साइन माइनस ना, बस माइनस आवर्स ना, माइनस 6.25 आवर्स पॉसिबल है, पॉसिबल है बिकॉज टाइम इज नेवर नेगेटिव है ना, नॉट पॉसिबल यहाँ पे लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज क्या पॉजिटिव, तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, तो आंसर ये वाला होगा और आंसर ये, तो यहाँ पे आंसर डाल देते हैं और यहाँ पे आंसर डाल देते हैं, क्लियर, समझ में आ गए कि 15/4 वाला को इग्नोर क्यों कर दिए। ध्यान दीजिए एक बार, x का दो वैल्यू आया यहाँ पे 20, 25 और 15/4, चलिए तो 25 यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा, 25 है वो 25 माइनस 10 15 हो गया, ठीक है। अगर 15/4 यानी 3.75 तो फर्स्ट इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन दूसरा में देखिए तो आपको माइनस में आ जाता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी x इज इक्वल टू ये वाला नहीं होगा, x इज इक्वल टू 15/4 ये वाला नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा और नहीं ये भी होगा, तो आंसर क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एक बात का और ख्याल रखिएगा आप लोग, ये जो वैल्यू हमको x का आया तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के नहीं चेक करना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के चेक कीजिएगा तो सब कोई सेटिस्फाई होगा, गलत वाला भी सेटिस्फाई होगा और सही वाला भी, क्योंकि आप दोनों आंसर इसी से ना लाए हैं, आप दोनों का दोनों आंसर 25 और 15/4 किससे लाए हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू आपको नहीं रखना, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू रखिएगा तो दोनों में सेटिस्फाई होगा, गलत सही सब में, क्योंकि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप वैल्यू लाए, चेक करना है तो गिवन जो आप माने हैं उसमें वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने माना है उसमें वैल्यू रख के चेक करने के लिए। जैसे कि हमने माना था क्या कि x आवर माना था, वो x माइनस 10 आवर माना था, तो चेक करने के लिए इसमें ना वैल्यू रखे, माना था मैंने वो पहला भर रहा था x आवर में और दूसरा भर रहा था x माइनस 10 आवर में, तो इसको चेक करने के लिए यहां पर हमने वैल्यू रखा, ना कि ओके ना कि वैल्यू हमने रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं रखना, जो माना है आपने उसमें, तो माना है x आवर है वो x माइनस 10, तो इसमें रखने के लिए इसमें रखे वैल्यू x का चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा आपका विच इज अनोन इन मैथमेटिक्स कंसीडर, शुरू से बोलते आ रहे हैं आपको, अभी भी बोलेंगे भविष्य में भी बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो है ना, क्या फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि बीच में जिस स्पीड कमा या बढ़ा उससे मतलब नहीं होता, एवरेज मतलब सारे डिस्टेंस और सारे टाइम को मिलाकर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
बीच में स्टेशन पे रुका कि नहीं रुका, बीच में ब्रेक लिया कि नहीं लिया, वो सबसे हमको कोई मतलब नहीं होता है एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ उसको और टोटल उसमें टाइम कितना लगा बस, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में उससे मतलब नहीं होता है कि स्टेशन पे रुका कि नहीं रुका। तो क्या कह रहा है दोनों स्पीड का, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, कहां से मानेंगे, दो वेरिएबल में नहीं बनाना है, वन वेरिएबल में, कितना वेरिएबल में, तो केवल एक्स मानिए या केवल वाई मानिए, दोनों नहीं, यहां से पता चल जाएगा आपको माना हुआ। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर, क्या लिखा हुआ, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन डेट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो बीच इज रिटन इन द लास्ट, कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर गिवन इन द क्वेश्चन, ये प्रश्न में आपको दिया, मैं अपना मन से नहीं कर रहा हूं भाई। तो बाद वाला मानना उचित कि शुरू वाला, है ना, यहां से मानना उचित हो जाएगा, यहां से, ठीक है, यहां से मानना नहीं, यहां से मानना आपको उचित होगा, ठीक है। तो लेट एवरेज स्पीड ऑफ कौन ट्रेन, पैसेंजर की आपका ये एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन इक्वल एक्स, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल क्या, 11 किलोमीटर पर आवर मोर है एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर से, यानी x प्लस 11, है ना, अगर इसका x तो एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, यानी x प्लस 11, ठीक है। अब क्या कह रही है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर मोर, एक्सप्रेस ट्रेन, तो चलिए लेते हैं 4 एक्सप्रेस ट्रेन, अलग अलग डेटा ले लेते हैं, 4 एक्सप्रेस ट्रेन, है ना, अलग अलग डेटा लेते हैं सुविधा होगा। एक्सप्रेस ट्रेन तो स्पीड कितना है एक्सप्रेस ट्रेन का, जरा बताइए, तो 1x+11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टू ट्रेवल डिस्टेंस कितना, 132 किलोमीटर, डिस्टेंस 132 किलोमीटर, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन दिया कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, है ना, एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस कम, हाँ तो देखिए इसमें 1 देन टाइम 1 आवर लेस, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, जब स्पीड कहता है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, डिस्टेंस 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बंगलोर विदाउट टेकिंग कॉन्सेंट्रेशन द टाइम दे स्टॉप इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब बिना विदाउट टेकिंग द कम, बिना माने हुए टाइम दे स्टॉप इंटरमीडिएट, बीच में जो स्टेशन पे रुका उसको बिना माने हुए, ठीक है, बीच में जो स्टेशन पे यहाँ पे रुका ना उसको बिना माने हुए ये काम है, समझ रहे हैं बात को आप लोग, बीच में कहा, ऐसे भी मैंने बता दिया एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बीच में कितना स्पीड था नहीं था उससे हमको कोई मतलब नहीं है, स्टेशन पे रुका कि नहीं रुका उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिख भी दिया कि विदाउट टेकिंग कंसीडरेशन, मतलब बिना माने हुए टाइम दे स्टॉप, है ना, उस टाइम को हटा दीजिए जो इंटरमीडिएट स्टेशन पे लगा, विदाउट टॉकिंग कंसीडरेशन, बिना माने हुए टाइम, बिना टाइम को माने हुए दे स्टॉप इंटरमीडिएट स्टेशन, बीच वाला स्टेशन पे रुका उसको टाइम को बिना माने हुए, यानी बीच वाले टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, टोटल टाइम से मतलब है कि कितना जाने में लगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन, चलिए लैंग्वेज लिख देता हूं पहले, एक्सप्रेस ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, डेटा पैसेंजर का लेना है तो पैसेंजर ट्रेन का ही ले लीजिए, पैसेंजर ट्रेन का पहले ले लेते हैं, स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन का जरा बोलिए हमको,
देखिए बताइए पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना x और डिस्टेंस दोनों तक 132 किलोमीटर में जा रहा है जी। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन एक घंटा कम लेता है पैसेंजर ट्रेन से, ट्रेवल 132 किलोमीटर, यानी दोनों का दोनों 132 किलोमीटर ही जाता है। 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई बोथ ट्रेन पैसेंजर ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन, दोनों का दोनों 132 किलोमीटर ही जाता है। ठीक है, स्पष्ट लिख दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन एक घंटा कम लेता है, ऐसे भी एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज्यादा होता है तो टाइम कम, एक्सप्रेस का स्पीड ज्यादा कि पैसेंजर का, एक्सप्रेस का स्पीड ज्यादा तो टाइम कम ही रहेगा, एक घंटा कम लेता है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर जाने में, कितना किलोमीटर जाने में 132, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए स्पीड एक्स और डिस्टेंस इतना, तो टाइम निकल जाएगा क्या, डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 132 और बाय स्पीड, अब कहेगा कैसे ही फॉर्मूला बना दिए, तो स्पीड का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे कुछ नहीं तो वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू वन, तो डिस्टेंस, तो टाइम का क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस इधर इंटू में है स्पीड, इधर आया तो टाइम का फॉर्मूला क्या गया, डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम का क्या फॉर्मूला गया, आप समझ में आ गए हो कि टाइम का फॉर्मूला कैसे लिख देते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। चलिए अब लेते हैं फोर एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड कितना है एक्सप्रेस ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड देखिए यहां पर लिखा हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एक्स प्लस, तो कहता है देन यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है टेक्स 1 आवर लेस, 1 आवर यह एक घंटा कम टाइम लेता है, हम मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रही है यह स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन का गिवन है एक्स प्लस 11, तो कहता है ऐसे भी स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, तो कहता है कि एक घंटा कम लेता है पैसेंजर ट्रेन से, है ना, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस वही कितना है 100, तो टाइम इससे भी निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 132 और बाई स्पीड एक्स प्लस 11। अब चलिए मैं कंपेयर कर देता हूं इसको, क्या कर देते हैं कंपेयर, अभी मैंने बताया कंपेयर करके, अभी मैंने इस तरह का एक और क्वेश्चन बताया, चलिए कंपेयर करते हैं, एक तरफ पैसेंजर ट्रेन का डेटा और एक तरफ एक्सप्रेस ट्रेन का, तो पैसेंजर 132 अपॉन एक्स है और वो 132 अपॉन एक्स प्लस 11 है, ये पैसेंजर वाला है पैसेंजर ट्रेन, ये वाला है एक्सप्रेस ट्रेन का, तो एक्सप्रेस ट्रेन में स्पीड ज्यादा, हमको रिलेशन क्या चाहिए इक्वल में, है ना, हमको रिलेशन क्या चाहिए इक्वल में चाहिए, तो इसमें 1 आवर लेस लगाएंगे एक्सप्रेस ट्रेन वाला में, स्पीड ज्यादा ऐसे भी पढ़े हैं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन, तो स्पीड और टाइम का क्या चल रहा है दुश्मनी चल रहा है आजकल, स्पीड और टाइम से आजकल क्या चल रहा है दुश्मनी, तो स्पीड पर यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 11 और इसका एक्स है, तो स्पीड ज्यादा है तो पक्का है कि टाइम कम लगेगा एकदम गारंटी, यहाँ पर लिख भी दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन एक घंटा कम लेता है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का डेटा ये है तो एक घंटा कम इसमें, तो इक्वल करने के लिए 1 किधर माइनस करें बताइए, इधर माइनस करना पड़ेगा, जैसे ये 5 आवर ले रहा है तो ये 4 आवर, तो इक्वल करने के लिए 1 इधर माइनस, ये अगर 15 आवर ले रहा है ये तो ये 14 आवर, इक्वल चाहिए तो आपका इधर ही माइनस करिएगा 1 इधर ना, तब ना 14 आवर इधर भी और 14 आवर, क्योंकि हमको रिलेशन चाहिए इक्वल में, क्लियर, चलिए तब हो गया, और क्या सॉल्व कर दीजिए 132 अपॉन x, इसको इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, इक्वल टू इधर माइनस वन है इधर ले जाने तो 1 हो जाएगा, है ना, इधर माइनस वन है इसको उधर ले जाने तो एलसीएम ले लेते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 11 डिवाइड करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस 11 से, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा बचेगा एक्स प्लस 11, वो 132 से इंटू कर देंगे, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 11 को किससे डिवाइड करेंगे एक्स प्लस, तो एक्स प्लस 11 इस बार कट जाएगा तो बचेगा एक्स, एक्स को 132 से इंटू करेंगे तो 130 इज इक्वल टू 1, तो 132 को एक्स से भी इंटू और 11 से भी, तो 132x प्लस
132 को 11 से 132 और 132 2 5 4 1452 है ना, 1452 हो जाएगा। अब माइनस 132x, एक्स को दोनों से इंटू करना पड़ेगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 132 मैक्स माइनस 132x तो क्या हो जाएगा 0, प्लस अब बाई एक्स स्क्वायर 11x इज इक्वल टू 1.1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर क्या हो जाएगा 1452, जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 132 x माइनस 132x तो जीरो आ गया, और जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1 हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x स्क्वायर प्लस 11x को कितना से इंटू करेंगे 1 से, आप 1452 को भी कितना से इंटू, अरे क्या 1 बन, डायरेक्ट लिखिए ना, इतना झमेला करने से कोई फायदा, x स्क्वायर प्लस 11x को 1 से, वन को फिर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से इंटू करने पर x स्क्वायर प्लस 11x इधर हो गया माइनस प्लस 140, देर को इधर ले आते हैं, इधर 1452 हो जाएगा, तो इधर प्लस है, इधर क्या है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया फैक्टराइज करना पड़ता है a इंटू c का, a इंटू c का क्या करना है, फैक्टराइज तो a के जगह हो गया था और कुछ नहीं तो 1 को, और c के जगह माइनस 1 और c के जगह माइनस 1452, तो माइनस 1452 आ गया, तो माइनस का तो होता नहीं फैक्टराइज, प्लस का तो किए करते करते इतना आया, ठीक है, करते करते इतना है, तो क्या कीजिए ना आप इसको, आप इसको ये दोनों को साथ कर दीजिए, और इसको और इसको कर दीजिए, किसको किसको साथ कर दीजिए 3 और 11 को, और बाकी 2 × 2 × 11 को एक जगह और 3 × 11 को एक जगह, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 33, तो 44 और 33 को माइनस करने पर 11 आ जाएगा, देखिए करके, हो सकता है मैं गलती बता रहा होगा, वो अपने आप पता चल जाएगा बाद में, कितने कितने टोटल है, ये दोनों को एक साथ करके फैक्टराइज के तो इतना है, और 2 × 2 = 11 को एक साथ, तो 44 और 33 आ गया, तो 44 और 33 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, देखिए करके, है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखेंगे, गलती हो गलती बता दी तो देखेंगे बाद में पता खुद चल जाएगा, तो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस 44x और माइनस 33x कीजिए, अब बाकी सबको जैस का तैस है ना, बाकी सबको ज्यों का त्यों रह देना है, 14 ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 44 कॉमन ले लेंगे माइनस 33, अपने पता है अगर दोनों ब्रैकेट वाला सेम आ गया तो मेरा फैक्टराइजेशन सही है, नहीं तो गलती है, तो इसमें बचेगा एक साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, और 33 को डिवाइड कीजिए, 33 पे कितना बार लगेगा अभी नहीं पता चल रहा है, डिवाइड कीजिए तो 4 × 4 = 13 कट गया ना, कितना टाइम्स कटा 44 टाइम्स, कितना टाइम्स 44, तो 44 बचा इक्वल टू 0, आप कॉमन लेंगे x प्लस 44, इसमें बचेगा x, इसमें माइनस 33, एक बार इसको जीरो कर देंगे, एक बार इसको जीरो, तो x प्लस 44 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 44, एक बार x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30, तो ये तो होगा नहीं, काय की स्पीड अननोन, बिकॉज द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज प्लस b मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और स्पीड जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो ये होगा नहीं, तो आंसर क्या चल जाएगा 11, क्या चल जाएगा, तो आपको देखिए यहीं पर केवल आंसर नहीं डालना है, आपको स्पीड किसका किसका बताना है, ऑफ टू ट्रेन स्पीड ऑफ मतलब इसका भी स्पीड पैसेंजर का और एक्सप्रेस का, आप देखिएगा क्या निकालना था आपको, दोनों ट्रेन का स्पीड है पैसेंजर का भी और पैसेंजर, यहाँ पर एक्स का वैल्यू रखेंगे ना, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन था एक्स इज इक्वल टू कितना है 33, क्योंकि माइनस 44 तो अननोन हो गया, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एक्स था 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन का एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 यानी 33 प्लस 11, ठीक है, एक्स प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा आंसर, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं मैं, जगह थोड़ा सा
मेरे पास कम है इसलिए मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, एक्स प्लस इलेवन, एक्स का जगह रख दिए 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर। नॉन इन मैथमेटिक्स कंसीडर शुरू से बोलते आ रहे हैं आप लोगों को, अभी भी बोलेंगे भविष्य में बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, तो चलो मान लेते हैं लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर इक्वल एक्स, साइड ऑफ अदर स्क्वायर इक्वल वाई। अब कहिएगा कि यहाँ पर आप अभी बता रहे थे कि वन वेरिएबल का क्वेश्चन है और ये टू वेरिएबल आपने मान लिया, कोई बात नहीं बाद में हम चेंज कर देंगे वन वेरिएबल में, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप टेंशन मत लो, हम इसको वन वेरिएबल में ही बनाने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाकर ही बनाने वाले हैं। आप जो दिमाग में रख दिए कि यहाँ पर आप बोले थे कि फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, एक का एक्स मान लिए एक स्क्वायर साइड ऑफ वन स्क्वायर एक्स और दूसरा का वाई मान लिए, है ना, तो दो वेरिएबल मान लिए, तो टेंशन मत लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके ही बनाएंगे, एक वेरिएबल में ही बनाएंगे, आप देखिए तो सही। चलिए क्या क्या दिया हुआ डेटा, इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ दियर पेरी मीटर्स इज 24 मीटर, है ना, द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, डिफरेंस मतलब माइनस, माइनस पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर इज मैंने इक्वल डाल देते हैं 24 मीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड, तो साइड क्या है x माइनस 4 इंटू साइड, इसका साइड क्या अदर का y इज इक्वल टू 24, 4 कॉमन ले लेते हैं x माइनस y इज इक्वल टू 24 तो कैंसिल हो जाएगा 16, तो x इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस y, है ना, x माइनस y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस। अब हमको बनाना है वन वेरिएबल में, देखिए वन वेरिएबल में बन गया, एक और दिया, ये भी गिवन था आपको, ये गिवन था इन द क्वेश्चन। अब देखिए सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, आप इक्वेशन पहले इससे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी से बनाए, एक्स का वैल्यू निकाले ना 6 प्लस वाई, जरूरी नहीं कि इसी से निकालिएगा, आप इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसका, यहाँ पर गारंटी नहीं कि पहले इसी से x का निकाल लें, आप इससे निकालिए कोई दिक्कत नहीं। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, है ना, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल 468 मीटर, तो एरिया का क्या फॉर्मूला, साइड स्क्वायर, तो पहला का साइड x स्क्वायर प्लस सेकंड का साइड y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है, एरिया फर्स्ट स्क्वायर का एरिया प्लस सेकंड स्क्वायर का एरिया, तो फॉर्मूला साइड स्क्वायर, पहला का साइड x x स्क्वायर प्लस दूसरा का साइड y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y का वैल्यू, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू आपको पता, हमको बनाना है वन वेरिएबल में, ध्यान रहे हमको बनाना है कितना वेरिएबल है, वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, देखिए क्वाड्रेटिक आ गया, x के जगह देखिए दिया हुआ है x इज इक्वल टू कितना 6 प्लस y, x इज इक्वल टू क्या स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4, देखिए आ गया वन वेरिएबल, वन वेरिएबल आ गया, चलिए हमारा काम हो गया, और क्या, ये भी आपका गिवन था इन द क्वेश्चन, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में गिवन इन द क्वेश्चन,
है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। तो बाई स्क्वायर टू बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 30 आई हो जाएगा कितना 12 बाई अब प्लस 36, इसको इधर ले आते हैं है ना, लगने सबको ऐड कर दिए, बाई स्क्वायर टू बाई स्क्वायर ये 12 बाई हो जाएगा, भाई 36 हो जाएगा इधर, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, तो 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन हो जाएगा जी, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई ये हो जाएगा माइनस 216 इक्वल टू 0, तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 216 इक्वल टू, इधर इनटू में 2 है इधर आएगा डिवाइड में, यानी बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, फैक्टराइज ए इंटू सी, तो करते हैं, तो फैक्टराइज करते हैं ए इंटू सी का, तो ए का जगह कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 और सी का जगह कोफिशिएंट ऑफ 1 क्या कांस्टेंट टर्म, तो इतना हो गया माइनस 216, तो ए माइनस 200, तो माइनस का तो होता नहीं प्लस का, करते करते इतना आया। अब हमको ब्रेक करना है किसको, ब्रेक करना है वन पावर वाले को, अब बाकी सबको मुंह तक आ देना, ब्रेक करना है वन पावर वाले को, इसको ब्रेक किसको करना है, इसको करना, बाकी सबको जैस का टैस। अब ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड और सबट्रैक्ट करने पर इतना आ जाए, थोड़े गए को इंटू करने पर इन दोनों के इंटू के इक्वल आ जाए, तो ये तो बहुत कितना बार बोल चुके, तो आप ऐसा कीजिए ना, ये 2 36 और 6 में ब्रेक करके देखिए, 2 इंटू 2 आई 3 इंटू 3 को एक जगह, इसको और इसको आई 2 3 को अलग कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 2 जा 4, 4 जा 12, 3 जा 36 और 6, तो 36 और 6 को माइनस करने पर आ जाए 36 और 6 को, नहीं नहीं 36 और 6 को तो माइनस करने पर नहीं आएगा, 36 और 30 को माइनस करने पर आएगा, थोड़ा सा यहाँ तो 36 और 6 को अगर मिलाते हैं तो नहीं आता है, क्योंकि 36 और 6 को प्लस भी कीजिएगा तो 42 आ जाएगा और माइनस कीजिएगा तो 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 है तो ऐसा होगा नहीं, यानी 36 और 6 को ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो ऐसा कीजिए ना, कोई बात नहीं। आप टेंशन क्यों ले रहे हो बताओ, क्यों टेंशन आप ले रहे हो, टेंशन लेने का नहीं देने का, ध्यान दीजिएगा। तो आप ऐसा कीजिए ना, ये इसको एक जगह है ना, 2 × 2 × 3 को एक जगह कर दीजिए, आई 2 और 3 3 को एक जगह, तो इसको एक जगह करिएगा, इसको एक जगह, तो ये आ जाएगा 12 और ये जगह 18, तो 18 और 12 को शायद देखते हैं, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, जैसे मैंने अभी किया 36 और 6 में ब्रेक किया, तो ना ही ऐड करने पर अब 6 आया ना ही सबट्रैक्ट करने पर, तो वो तोड़ा हुआ गलत था, तो चलिए हम ये तरीका इस बार अप्लाई किया, देखिए होता है तो होता है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, फिर दूसरा उपाय। तो मैं किस में ब्रेक किया, 18 और 12 में, इसमें 18 बाई है तो बाई सटा दिए और 12 में, अब यहाँ पर साइन क्या लाना है, प्लस, साइन क्या लाना है, तो बड़का का साइन प्लस और छोटका का, तो बाई कॉमन ले लेंगे तो बाई प्लस 18 और माइनस 12 को हमें ले लेंगे तो बाई माइनस है प्लस और 218 का बाई डिवाइड कीजिए 12 को 216 से, तो 1 टाइम 12 6 हाँ 18 टाइम्स, देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, यानी मेरा फैक्टराइजेशन 100% करेक्ट है, दोनों ब्रैकेट वाला सेम है यानी फैक्टराइजेशन 100% करेक्ट, तो कॉमन ले लेते हैं बाई प्लस 18, तो बचेगा इसमें बाई और इसमें बचेगा माइनस 12, तब क्या करते थे एक बार, इसको जीरो इसको जीरो, क्यों जीरो करते थे इसका भी रीजन मैं आपको बता दिया हूं है ना, तो इधर मैं इरेज करके लिख दे रहा हूं, तो क्या हो गया एक बार बाई प्लस 18 को जीरो, तो बाई इक्वल टू माइनस 18 तो होगा नहीं, अननोन बिकाउज साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो होगा नहीं, एक बार इसको जीरो करेंगे बाई माइनस 12 को, तो बाई इक्वल टू 12, चलिए ये आंसर आपका सही होगा। तो निकाला क्या है हमको जरा बोलिए, तो निकाला हमको फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, तो साइड्स ऑफ टू स्क्वायर एक्स है और तो एक्स वाई का वैल्यू रख है कि छोड़ दे रखना पड़ेगा, हमको निकालना है साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, यानी एक्स और वाई, तो वैल्यू रखिए
तो साइड ऑफ वन स्क्वायर क्या था, वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स, है ना। पहला साइड जो है वन स्क्वायर का, साइड ऑफ वन स्क्वायर इक्वल एक्स। यहां देखिए एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस वाई, कहिएगा एक्स तो सर आप निकाले नहीं है, कहिएगा कि एक्स तो आप निकाले नहीं है, ये वन वेरिएबल का, देखिए वन वेरिएबल में बदल दिए ना जी, केवल वाई आया तो वन वेरिएबल में चेंज किया, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना, तो वन वेरिएबल में मैंने चेंज करके ही बना रहा हूँ, वन वेरिएबल में मैं आपको चेंज करके ही बना रहा हूँ, तो कहिएगा एक्स तो है नहीं, कहा है कैसे नहीं, एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस वाई, तो सिक्स वाई का वैल्यू टू बेल यानी एटीन, कितना एटीन है, मीटर में है जी, टच में है, तो एक आंसर। साइड ऑफ अदर स्क्वायर क्या है, बाई इज इक्वल टू, बाई का वैल्यू कितना है ट्वेल्व, क्या है मीटर है, तो मीटर ट्वेल्व है ना, ट्वेल्व मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो एक साइड आ गया 18 मीटर और दूसरा साइड 12 मीटर, तो ये आपका एक्सरसाइज 4.3 भी आज खत्म हो गया, बचा एक्सरसाइज 4.4, तो अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, है ना। और आप लोग वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर नहीं देखिएगा, थोड़ा वीडियो आज का लॉन्ग है, शायद सबसे लॉन्ग वीडियो अभी तक का शायद ये सबसे लॉन्ग वीडियो होगा, चलिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, वीडियो लॉन्ग है तो क्या दिक्कत है, आप वीडियो को दो बार में देखिए, कुछ और ज्यादा लॉन्ग है तो तीन बार में देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको सारा वीडियो देख लेना है, आप लॉन्ग है तो दो बार में, उससे भी ज्यादा लॉन्ग है तो तीन बार में देखिए, लेकिन वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर नहीं देखना है। और कोई भी चैप्टर के पहले आप इंट्रोडक्शन क्लासेस जो है जरूर से जरूर अटेंड कीजिए, डायरेक्ट चैप्टर में एंट्री मत मारिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन क्लास, आफ्टर देन एक्सरसाइज।